भाई आज हम ये बात करने वाले हैं कि हम ये कैसे पता लगाएं कि लड़की हमारा काट रही है, लड़की हमें यूज कर रही है, लड़की हमारे साथ मजे ले रही है, धोखेबाजी कर रही है। अगर आपको जानना है तो वीडियो को अंत तक देखते रहो और जो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहना। यहां हो सकता है कि वो आपकी बंदी हो सकता है आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, या हो सकता है आपकी एकदम क्लोजेस्ट फ्रेंड हो, या हो सकता है आपकी क्रश हो, या जो भी है भाई यहां पर यूज तो कर ही रही होगी ना, तभी तुमने वीडियो खोल के देखा है, क्योंकि यूज नहीं कर रही होती तो तुम शायद वीडियो खोल के नहीं देखते। तो यहां पर हिंट्स क्या क्या है उसको ध्यान से सुनो। पहली चीज यहां पर ये कि लड़की सीरियस टॉक्स को अवॉइड करती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हर बार वो सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक की बात करती है, मौज मस्ती की बात करती है, सीरियस बातें नहीं करती। देखो मैं मानता हूं कि जरूरी नहीं कि हर कोई अपनी पर्सनल बातें आपके पास लेकर आए, लेकिन बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो बताता ही है। अगर आज तुम नहीं हो तो किसी और को बता रही होगी, लेकिन सीरियस टॉक बंदा करता है। अगर वो बंदी अपने फैमिली के बारे में बताने से डरती है, अपने पास्ट को बताने में डरती है, या फ्यूचर को बताने में डरती है, सिर्फ मौज मस्ती फ्लर्ट एंड ऑल करती है, तो भैया लड़की यूज कर रही होगी। तुम कई बार कोशिश करते हो अपने फ्यूचर के बारे में बात करने की, भाई मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, तुम क्या करना चाहते हो, लड़की उस टॉपिक को हटा देती है और बोलती है क्या बकवास कर रहा है। फिर वो फ्लर्ट करने लग जाती है, हंसी मजाक करने लग जाती है, और एक बार नहीं होता, दो बार नहीं होता, हर बार होता है, तो भाई गड़बड़ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक दो बार चलता है, लेकिन हर बार वो कभी करना ही नहीं चाह रही तो गड़बड़ तो है मेरे भाई। हाँ मैं मानता हूं कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि अपनी पर्सनल बातें लाना नहीं चाहती, अपने फैमिली की बातें लाना नहीं चाहती, शायद वो तुम पे इतना ट्रस्ट नहीं करती जितना तुम खुद पे करते हो, उस पे करते हो, तो भाई गड़बड़ होती है। लेकिन हर बार भाई, हर बार तो ऐसा नहीं होता ना। अगर वो तुम पे ट्रस्ट करती है तो कुछ ना कुछ बातें बताएगी, और अगर ट्रस्ट नहीं करती तो भाई काय की बंदी है वो। कई बार आप ये भी देख सकते हो कि जब भी तुम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो कि यार मेरे साथ ये हो गया, यार पता आज मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ऐसा ऐसा हो गया यार, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, और लड़की उस बात को सुन ही नहीं रही है भाई, टाल दे रही है बात को, तो ऑब्वियसली बात है वो सुनना नहीं चाह रही आपकी बातों में, उसको घंटा इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहती है मौज मस्ती बस, वो थोड़ी सेल्फिश काइंड की है। तुम जब तक उसका एंटरटेनमेंट करोगे, उसको हंसाओगे, उसको मौज मस्ती कराओगे, तब तक वो आपके साथ है, जब भी आप प्रॉब्लम में आओगे तो आपको छोड़ देगी। यार लाइक अगर तुम्हारी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, तुम्हारी क्रश है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो एटलीस्ट साथ तो देना भाई। क्लोज है तो ट्रस्ट भी होगा, ट्रस्ट होगा तो कुछ अपनी बातें बताएगी भी, कुछ तुम्हारी बातें सुनेगी भी, लेकिन वो बातें बताती भी नहीं है, सुनती भी नहीं, तो भाई कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी यहां पर बात है कि वो वही काम करती है, वही काम कहती है करने को जो कि उसको पसंद होता है। तुम्हें क्या पसंद है, क्या ना पसंद, उसको घंटा नहीं लेना देना। कई बार ऐसा होता है कि हम कहां घूमने जाएं, क्या ऑर्डर करें, क्या बात करें, क्या कहें, क्या सुने, लड़की कहती है ये है मेरा मन, तुम कहते हो मेरा मन यार ये कर, घंटा तुमसे क्या लेना देना। लड़की को अपनी चलानी है भाई, लड़की वही करवाएगी जो उसको करवाना है। अगर लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है, तुम कितने दुखी हो और कितने खुश हो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो गड़बड़ है। क्योंकि देखो सिंपल चीज ये है कि वो अपनी खुशी चाहती है, तुम खुश हो रहे हो या दुखी हो रहे हो भाई उसको कोई लेना देना नहीं है। जो वो काम करवा रही है उसको उसमें खुशी मिलती होगी, क्योंकि उसके पसंद की चीजें हैं, तो अपनी खुशी कोई देख रही है, अपनी पसंद कोई देख रही है, तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रही, तो भाई गड़बड़ तो ऑब्वियस है। तीसरी बात यहां पर ये कि लड़की तुमसे तभी बात करती है जब उसको आपकी मदद की जरूरत होती है, आपकी हेल्प की जरूरत होती है, तो अपनी कहानी को बताएगी भी कि यार मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, मोटा मोटा बताती कि ये हो गया वो हो गया, मुझे हेल्प की जरूरत है, मेरी हेल्प कर दे। वो तुम्हें पूरी बात बताती भी नहीं है, बस इतना बताती कि मुझे प्रॉब्लम है तू मेरी हेल्प कर दे, तो गड़बड़ तो है। माना कि तुम इंसानियत के नाते उसकी हेल्प कर देते हो, क्योंकि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड है, तुम कर देते हो, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार, लेकिन हमेशा यही हुआ जा रहा है। वो तभी आपसे बात करे जब उसको हेल्प की जरूरत है, वो तभी आपसे बात करे जब उसको कुछ काम करवाना होता है, उसके अलावा तुमसे बात नहीं करती। अगर ऐसा हो रहा है तो भाई गड़बड़ तो है ही ना। और कल को तुम अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हो कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तो घंटा भी नहीं सुन रही वो, क्योंकि वो किसी और की प्रॉब्लम सुन रही होती, क्योंकि वो उसके लिए खास है, तुम थोड़ी हो घंटा। और एक और बात यहाँ पर ये कि लड़की बहुत ज्यादा चीजें छुपाती है तुमसे, नहीं औरों से, तुमसे तो बहुत ज्यादा दिखाएगी कि भाई तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो तू भाई बॉयफ्रेंड है, मतलब तू ही है जो कुछ है, लेकिन बाहर किसी को दिखाने भी नहीं देती। क्या उसको खुद पे भरोसा नहीं है, तुम पे भरोसा नहीं है, दिक्कत क्या है समझो ना भाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन वो सेम इंपॉर्टेंस बाकियों को भी दे रही है और सबको ये दिखा रही है कि तुम नॉर्मल बंदे हो, लेकिन पर्सनल पे तुम्हें ये दिखा रही कि तुम बहुत ही खास हो, और यही चीज सबको दिखाया जा रही है कि वो खास है पर्सनल पे, तो भाई गड़बड़ तो है ना। मतलब इसमें कौन सा भाई रॉकेट साइंस है जो तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। और एक और लास्ट बात भाई कि लड़की हमेशा डोमिनेट करती है, वही करवाती है जो उसको करवाना होता है, वही समझती है जो उसको समझना होता है, वही समझाती है जो उसको समझाना होता है, वही सुनना होता है जो उसको सुनना होता है, तो गड़बड़ है। क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंस तुम उसको दे रहे हो, तुम्हारा हक है कि उतनी इंपॉर्टेंस तुम उससे लो। अगर तुम्हें नहीं मिल रही तो भाई गड़बड़ है। और अगर वो हर तुम्हारी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि तुम उसके अगेंस्ट जा रहे हो, लेकिन जब तुम उसकी बातों पे अगेंस्ट जाके गुस्सा होते हो, जबकि तुम सही होते हो, लेकिन तब भी वो तुम्हारी बात को नहीं सुनती, तो गड़बड़ है। अगर तुम्हें लगता है कि जब वो सही होती है तब तो सही है ही है, लेकिन खुद गलत होती तब भी वो अपने आप को सही बताती है, तुम्हारी बातों को नहीं सुनती, तुम क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो भाई गड़बड़ है। अगर उसको अपनी हर एक बात सही लगती है, सब कुछ सही लगता है, जो कर एकदम सही है, लेकिन जो तुम कर रहे हो गलत है, तुम चाहे सही हो चाहे गलत हो, तुम हमेशा गलत हो, तो गड़बड़ है। और अगर गड़बड़ है मेरे भाई, तो पहला काम तो तुम ये करो कि जो भी तुम इंपॉर्टेंस देते हो उसको बैक ऑफ करो, उसको खींचो। तुम उसकी हमेशा हेल्प करते हो, तुम उसको हमेशा
हमेशा इंपॉर्टेंस देते हो, उसके साथ हमेशा खड़े रहते हो, लेकिन जब तुम ये चीजें बैक ऑफ करते हो तो क्या लड़की को फर्क पड़ रहा है? देखो, अगर उसके मन में तुम्हारी इंपॉर्टेंस होगी तो फर्क पड़ेगा ही ना, तुमसे पूछेगी क्या हुआ भाई, क्यों इतना दूर जा रहा है। तो मेरे भाई, थोड़ा बैक ऑफ करके देखो, उसको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो जितनी तुम देते हो। एक बार करके देखो, ट्राई करके देखो, क्या तुमसे पूछती है कि भाई क्या बात है, तुम उसको समझाते हो कि ये बात है, लेकिन क्या वो समझती है? अगर नहीं समझती तो गड़बड़ तो है, लेकिन अगर समझती है तो भाई उसको समझाओ कि ये ऐसी ऐसी बात है, मुझे फील होता है, मुझे ऐसा लगता है, तुम भी समझो, मैं भी समझा रहा हूँ यार, कुछ तो समझो। लेकिन अगर वो तब भी नहीं समझती और कहती है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वहां जाओ जहां तुम्हें इज्जत मिलती है, अगर तुम्हें इज्जत नहीं मिली तो दुनिया गई भाड़ में। और हाँ, एक लास्ट बात कि अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है लेकिन उसके बावजूद भी वीडियो को लाइक तुम नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ है। तो भाई अगर गड़बड़ है तो गड़बड़ मत करो यार, वीडियो को लाइक कर दो ना। और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, तो भाई नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाओ फॉलो करो, अपनी बातें मुझे बताओ, मैं अपनी बातें तुम्हें बताऊंगा, दोनों भाई खुश रहेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटी सी घंटी है तो उसको प्लीज दबा देना, उससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है, ऐसी आपको और वीडियोस मिलने लग जाती है, तो भाई मेरा भी फायदा, आपका भी फायदा, दोनों भाई खुश रहेंगे यार।